सरायकेला के राजनगर प्रखंड के फुटबॉल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झामुमो की चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने सभा में उपस्थित जनता को सरायकेला विधानसभा के प्रत्याशी चंपाई सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने संबोधन में कहा, भाजपा झारखंड को लूटने वाली सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार विकास की सरकार नहीं बल्कि दोनों तरफ से लूटने वाली सरकार है। चुनाव के समय केवल रोजगार देने का वादा करती है और फैक्ट्रियां बंद करवाकर बेरोजगारी बढ़ा देती है। अंत में उन्होंने क्षेत्र की जनता से सरायकेला विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी चंपाई सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील की। आज ये लोग अपना पार्टी का पैसा सूद में लगा करके राजनीति करता है। सोचिए, ये एक ऐसी पार्टी है देश का जो अपना पार्टी का पैसा सूद में लगा करके काम करती है। आज इसीलिए आज इनसे थोड़ा इनके चलाक चतुर वाणियों को समझना है। आज डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार विकास के लिए नहीं, ये डबल इंजन की सरकार दोनों तरफ से लूटने पर लगी है, एक दिल्ली से और एक झारखंड से। सबसे पहले झारखंड धरती को शिक्षा से दूर करने का शुरू किया, जो 14,000 प्राइमरी स्कूल को इस राज में बंद करके विकास का ढींढरा पीटा, 32,000 दारू दुकान खोलने का काम किया, सुदूर गांव में जंगल का बीज बीन का दारू दुकान खोलती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरायकेला से रविकांत गोप की रिपोर्ट।